ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन और किए गए वादा खिलाफी के प्रति प्रभावित किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन रेलवे ने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके चलते गोविंदगढ़ रीवा के बीच टेस्टिंग के लिए चलने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय किसानों ने काम रोकते हुए चेतावनी दी है कि जब तक पन्ना सतना रीवा के प्रभावित किसानों के परिजनों को नौकरी रेलवे नहीं देता, तब तक कार्य नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास विगत 15 दिन से प्रभावित किसान आंदोलनरत हैं और इनके द्वारा कार्य बंद करा दिया गया है। सोमवार को किसान नेता सुब्रत मण त्रिपाठी के नेतृत्व में एकत्र सैकड़ों लोगों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्थानीय विधायक और सांसद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रेलवे लाइन बिछाकर विकास बताने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म है तो प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में सहयोग करना चाहिए। इस आंदोलन का समर्थन करने पन्ना सतना के साथ भारी संख्या में प्रभावित किसानों के परिजन पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं नौकरी के लिए भटक रहे बेरोजगारों के साथ स्थानीय किसानों और किसान नेता सुब्रत मण को, जिन्होंने रेलवे मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री और स्थानीय नेताओं से शीघ्र नौकरी दिलवाने की मांग की है। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, रोजगार नहीं तो रेल नहीं, रोजगार नहीं तो रेल नहीं, रोजगार नहीं तो रेल नहीं, रोजगार नहीं तो रेल नहीं। रीवा संसद हाउस में आओ, मेरा नाम सोनम सिंह है, मैं रीवा से हूँ। यहाँ पे हम लोग 15 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से मतलब जो भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था रेलवे ने, हम मतलब वादा किया था कि वो भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा और हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देगा, उसने वादा खिलाफी की। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन में सपोर्ट प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कभी कभी आएंगे पुलिस को भेज देंगे कि आप धरना बंद कर दो, धरना आपको परमिशन मिला है कि आप वहाँ बैठ जाओ, तो क्या कोई टाइम पास करने आए हैं? जब हम काम बंद करवा रहे हैं तो हमें रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा? ये हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। काफी दिन से देखा जा रहा, मांगे भी पूरी नहीं हो रही। हाँ, बहुत टाइम हो गया है, काफी लोग इसमें परेशान है, कोई वो नहीं दे रहा, मतलब आश्वासन बस मिलता है लेकिन कोई रोजगार नहीं है। मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या आप लोगों का क्या निर्णय है? हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपने यहाँ से रेल नहीं जाने देंगे। 15 दिनों से धरना यहाँ चालू है, मांगे पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, किस तरह का आंदोलन आप कर रहे हैं? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बतलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने न्यायाधीश महोदय जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाह रहा हूं कि रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, जो कि ललितपुर सिगरौली रेल लाइन के अंतर्गत आती है, उसमें जितने भी किसान प्रभावित हैं, जहाँ से ट्रेन की पटरियाँ गई हैं, सब बच्चों को रोज़गार दिया जाए। आप कहते हो कि 2019 के बाद बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो आप रीवा सिगरौली रेल लाइन की आधारशिला कब रखी गई थी देख लीजिए। 2011 में इधर गोविंदगढ़ से लेके माड़ावा, वाइसा, पड़ोखर, बैशा, रीवा क्षेत्र, रीवा विधानसभा और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों के यहाँ की जमीन अधिग्रहित हुई थी, जहाँ पे आज आप यहाँ हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक रीवा, माननीय सांसद जी सब ट्रेन चलाने की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रेलवे का लेटर है, ये रेलवे विभाग ने हमें लेटर दिया, लगातार ये वादा खिलाफी करते रहे, महाप्रबंधक का घेराव किया, उसके बाद लेटर जारी हुआ कि रेलवे के वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये समय सारणी है रेलवे की, रेलवे की समय सारणी है कि रीवा सिगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन, इस तारीख तक सब बच्चों को नियुक्ति, दस्तावेजों का सत्यापन, मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं ये प्रजातंत्र है कि तानाशाही है। हम अपने रीवा विधायक जी से और सांसद जी से कहते हैं, सांसद जी आप भी ए डब्ल्यू बे रेलवे की, पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट में अपलोड है, इसको पढ़ लीजिए, न्याय करिए। रेलवे अगर वादा खिलाफ ये 400 BC रेलवे कर रहा किसानों के साथ, आप सोच सकते हैं 10 साल से इन्होंने जमीनों के अधिग्रहण किया, उसके बाद पटरियां डल गई, मिट्टी डल गई और पटरियां डल गई, अब ये रेल चलाने लगे, लेकिन किसानों के बच्चों को वो भी ट्रैक मैन का रोजगार नहीं दे पाए। हम तो इन शर्मिंदा हैं, और ऐसा प्रजातंत्र
क्या सोचा होगा वीर शहीदों ने जो ये प्रजातंत्र की दुहाई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः जिला प्रशासन से और अपने माननीय संसद विधायक और रेल मंत्री प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि किसानों के सभी बच्चों को रेलवे में रोजगार आप दे दीजिए, जिनका भी भूमिका अधिग्रहण किया गया है, अन्यथा ट्रेन नहीं चलने दाएगी या कि फिर किसानों की सबकी हत्या करवा दीजिए। शर्मा, ये क्या आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे यह है कि जो रेल में किसानों का भूमि अतिग्रहण किया गया है उनको नौकरी दे, जो सरकार ने वादा किया था वादा के खिलाफ किया, नौकरी नहीं दिया, आधे किसानों को दे दिया, आधे किसान बाकी हैं। रीवा सीधी सिंगरौली के किसान करीबन 4,500 नौकरी को अभी बाकी हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसी कारण मैं यहाँ धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के पास बांसा गोविंद में 15 तारीख से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए, सिर्फ प्रशासन भर देते हैं। SDM साहब आए कि आप लोग तो तोड़ दीजिए अनशन और नौकरी मिलेगी आपको। हमने कहा कि रेल मंत्री या DRM कोई हो, हमारे किसान के यूनियन के नेता सुप्रमन त्रिपाठी जी से मैंने निवेदन, युवा लोग भी हैं जो नौकरी नहीं मिली, हाँ युवा लोगों को भी नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी मिलनी चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं रेल नहीं चलने दूंगा, रेल चलेगी तो मेरे छाती से चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे हूँ, पन्ना जिला से हूँ। किस तरह की मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को सर्विस दे दी जाए, इसके बाद अपना काम चालू करें। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में हर जगह के किसान हैं, सतना पन्ना और अपना ये सीधी सिंगरौली ललितपुर हर जगह से किसान हैं। किस तरह की मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जितने बच्चे बाकी हैं उनको नो सर्विस दे दे, जितने को दे, डबल नियम एक परियोजना में डबल नियम कैसे लागू कर रहे हैं, इनने एक योजना बनाई उसमें डबल नियम बना रहे हैं, कुछ लोगों को सर्विस दे दी गई है कुछ लोगों को बाकी है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? ना तो हमारा सांसद सुन रहे, ना तो हमारे विधायक सुन रहे, ना रेल मंत्री सुन रहे, ना सांसद। अभी हमने जबलपुर में 4 दिन का धरना प्रदर्शन किया, वहाँ से केवल आश्वासन मिला, कोई हमें परिणाम नहीं मिला। फिर इसके बाद में हमने अपनी ज़मीनों में काम बंद कराया, हमारे ऊपर प्रशासन के लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए हम नियम है। प्रशासन ने नियम दिया था कि हम मुआवजे के साथ में सर्विस देंगे, लेकिन अब केवल मुआवजा मिला है, सर्विस नहीं मिली। और इस तरीके से नियम यदि प्रशासन के लिए नियम है तो क्या हम किसानों के लिए नियम नहीं है? यदि प्रशासन नियम बना सकती है कि मुआवजा के बाद सर्विस नहीं दे सकती, तो हम भी नियम बना सकते हैं कि मुआवजा लेने के बाद में ज़मीन नहीं दे सकते। कब से धरना चालू है? हमारा 15 तारीख से धरना चालू है। यहाँ जो गोविंदगढ़ में रेलवे के खिलाफ बैठे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई, और ये बेचारे किसान आज यहाँ इस ठंड में बैठे हुए हैं जायज़ मांगों को लेकर। इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, रेलवे विभाग अन्याय कर रहा है, और हमारी ये मांग है कि तत्काल इनकी मांग पूरी की जाए और रेलवे विभाग इनको नौकरी दे। अगर नौकरी नहीं देता तो यहाँ के किसान, यहाँ के सांसदों का, चाहे वो रीवा के हों, चाहे सीधी के हों, चाहे सतना के, उनका घेराव करेंगे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये चलेगा। और अगर 10 दिन के अंदर ये मांग पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, ये झूठे वादे करती किसानों से, किसानों का शोषण कर रही है, और कोई भी जो जायज मांग है उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। इसी के लिए बेचारे ये किसान यहाँ बैठे हैं, और इसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, और इनकी जो मांग है उचित मांग के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं।